सिल्क की गांठ है ना, सिल्क और रेशम, सिल्क और रेशम है, लिनन है, सिल्क रेशम और लिनन की गांठें हैं, यही गांठें जाती हैं वहाँ पे पावर लूम पे, जिनको मशीन में लगाया जाता है, फिर वो धागे बुनती हैं वहाँ पे, धागे धागे से एक, हाँ पूरा वो तो देख के आए हम प्रोसेस, कि वो पूरा एक प्रोसेस है, धागे से वो पूरा कपड़ा तैयार होता है, वो कपड़ा तैयार होते अभी हम लोगों ने देखा था, और उसके बाद उस कपड़े से ऐसी साड़ियाँ जो उसका आउटकम होता है, ये ऐसी साड़ियों के रूप में होता है। ये बताइए सर कि पहले तो अपना परिचय बताइए, आप क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद इब्रार अंसारी। इब्रार अंसारी जी, क्या चेयरमैन भागलपुर रीजनल हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन। अच्छा, आप हैंडलूम यूनियन के सदस्य रहे हैं, मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं बल्कि आप, और ये जो पूरी साड़ी है जो हैंडलूम से बन करके, पावर लूम से, अब तो हैंडलूम है ही नहीं, पावर लूम से बन करके और जो यहाँ पे आती है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, आप ही लोग क्या होती है? देखिए, भागलपुर में जितने विभर हैं वो खुद में एक डिज़ाइनर हैं, इनको किसी डिज़ाइनर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भागलपुर विश्व में सबसे पुराना सिल्क कपड़े का उत्पादन केंद्र रहा है, और ये जो बुनकर यहाँ के ट्रेडिशनल बुनकर हैं, और ये लोग इतने हुनरमंद होते हैं कि अगर किसी कंपनी में चले जाएं तो डिज़ाइनर को मात दे देंगे। लेकिन क्या है कि एक छोटे से कस्बे में, छोटे से जगह पर ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए इसकी अहमियत नहीं है। ये जो यहाँ पर जितने भी आप साड़ी देख रहे हैं, ये किसी डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि बुनकरों ने खुद अपने दिमाग से इसको डिज़ाइन किया है, और इसे बाहर की दुनिया में ग्राहक बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये प्योर हैंडलूम की है, ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ये प्योर हैंडलूम की है, ये हाथ से बुनी हुई साड़ी है, हाथ से बुनी हुई का था साड़ी है। दुर्भाग्य ये है कि अब न्यू जनरेशन वो हैंडलूम पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब लोगों के अंदर में थोड़ी सी जो है हाई फाई आ गया है, सब लोग सोचने लगे हैं, दुनिया की चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं कि हम भी टाई लगा कर करके जो है किसी दुकान में जा कर के नौकरी करें, और ये जो है आपने हैंडलूम को शायद देखा होगा कि विभर जो है वो नीचे जो गड्ढा रहता है उस गड्ढे में पैर रख करके उस कपड़े को तैयार करता है। हम लोग उसको दूसरी भाषा में कहते हैं कि हैंडलूम को, कि एक कबर में पैर लटका करके अपनी ज़िंदगी का जो है रोजी रोटी तलाश करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भागलपुर का जो सिल्क सबसे पुराना सिल्क है पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे देश और दुनिया के लोग, या तो कोई भागलपुर आता है तो बिना सिल्क लिए जाता नहीं है, बिना सिल्क की साड़ियाँ देखे नहीं जाता, बिना सिल्क के कपड़े देखे नहीं जाता, उस सिल्क के जो बुनकर हैं वो इतने उपेक्षित क्यों हैं कि आप कह रहे हैं कि उन्हें? बहुत बड़ी सवाल है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। भागलपुर के जो विभर हैं वो हमेशा बिचौलिया के शिकार रहे हैं। ये छोटे छोटे विभर जो है ये डायरेक्ट दिल्ली कलकत्ता, यहाँ जो है दूसरी तरफ आइए कि बायर जो है वो भागलपुर नहीं आते हैं। बायर भागलपुर ना आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ जो है हवाई सेवा नहीं है, हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है। पटना यहाँ से ठीक ठाक दूरी पे है। हाँ, ठीक ठाक दूरी पर है, अब जाएगा तो पूरा दिन उसका मारा जाएगा। और पटना चूँकि कोई हब नहीं है बुनकरों का, इसलिए कोई बाहर के जो है एक्सपोर्टर वो पटना के नाम पर नहीं आना चाहते हैं कि पटना में क्या मिलेगा उसको, उसके दिमाग में आता पटना तो वो एक सिटी है या बिहार का कैपिटल है, वहाँ विभर तो है नहीं, विभर तो वहाँ से जो है कोसों दूर पर है, फिर वहाँ पर से हमको जो है सवारी कर करके विभर एरिया जाना होगा। और आज क्या है कि एक्सपोर्टरों के पास समय नहीं है, वो हमेशा उस जगह को जाना पसंद करते हैं जो वो अपने शहर से जो है एरोप्लेन पर चढ़े और दूसरे शहर को उतर गए और दिन भर काम किए, फिर दूसरे उसी जहाज़ से वो रिटर्न हो गए। आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्टरों के पास समय नहीं है, वक्त नहीं है, या वो हवाई सेवा ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो चीज़ भागलपुर में हमें मिल रही है या जो चीज़ भागलपुर की एक्सपोर्टरों को मिलेगी वो तो कहीं और मिल नहीं पाएगी। हाँ, तो वो सही है। हाँ, तो आपने बताया ना यहाँ जो विभर जो है वो बिचौलिए का शिकार रहे, अब यहाँ पर धन्ना सेठ लोग जो है अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, अब हम लोग जाएंगे तो धन्ना सेठ जो है यहीं के हैं, कोई बाहर के हैं नहीं, उसको पूरा पता है कि इस पर लागत कॉस्ट क्या पड़ा है, विभिन्न कॉस्ट क्या पड़ा है, वो उसको मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं उसके गुर्बत का, क्योंकि वो उसकी हालत हैंड टू माउथ वाली है। ये जो दो साड़ी अगर बिने हैं
सुबह से शाम तक में। अब ये जो शाम को बाज़ार लेकर के जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि किसी भी हालत में जो है ये बिके, ताकि हम उधर से भरनी का भी सूता लेकर के आवें और अपने बाल बच्चों के लिए जो है अनाज भी लेकर, खाना के भी लेकर के आवें। ऐसी हालत में अगर उसको मजदूरी ही मिल जाता है तो उसी मजदूरी के बुनियाद पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ के बीभर इतने हुनरमंद होते हुए भी इनको मजदूरी के अलावा कुछ नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कि ये सारे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स इन ऐसे मजदूरों के आगे, ऐसे बुनकरों के आगे फेल हो जाते हैं जो यहीं पर रह करके ये सब सीख रहे हैं। अलग अलग तरीके की डिज़ाइनिंग इन लोगों ने कर रखी है, सब उन बुनकरों का ही किया हुआ है अलग अलग डिज़ाइन जो है यहीं पर जो है। और एक और आपको जानकारी दे देते हैं कि इधर जो है साल भर से एक नया अचीवमेंट भागलपुर में ये हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने 4-5 जो है डिजिटल प्रिंट का जो है अपने मशीन को लगाया है। जैसे ये प्रिंट हुई, हाँ ये अभी ये जो सीढ़ी आप साड़ी देख रहे हैं ये भागलपुर का प्रिंट किया हुआ है। हाँ, आज से दो साल पहले यहाँ पर प्रिंट नहीं होता था। अच्छा, दूसरा क्या होता था कि 2 साल पहले यहाँ पर चैम्बर डाई भी नहीं हुआ था। तो चैम्बर डाई जो है पूरा, जैसे आप ये लीलन का जो है आप बंडी पहने हुए हैं, आप जितना बार भी बास कर लेंगे लेकिन इसका रंग नहीं गिरेगा। पहले जो है भागलपुर के अंदर में वो हाथ माने कि वही पुरानी पद्धति से जो है वो डाइंग होता था, उसका जो है वो डाइंग ज़्यादा फास्ट नहीं होता था। ये भी हमारे जो है माने डेवलपमेंट के अंदर में एक बाधा था, एक रुकावट था। लेकिन अब भागलपुर के अंदर में चंबर डाई भी आ गया, बिल्कुल जिस तरह का फास्टनेस चाहेंगे है ना वो उतना फास्टनेस मिल जाएगा। और डिजिटल प्रिंट का भी जो है लग गए हैं मशीन, और स्क्रीन प्रिंट के भी जो है यहाँ पर मशीन माने कि लोगों ने कारखाना खोल रखा है। इस तरह मिला जुला करके भागलपुर इस बदहाली के दौर में भी अब धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर सरकार इस पर थोड़ा सी तवज्जो दे दे, थोड़ा सा तवज्जो दे दे, तो जो भागलपुर पूरे विश्व के मानचित्र में एक नुमाया रोल अदा किया था, वो फिर से ये भागलपुर अपना कीर्तिमान को स्थापित कर पाएगा। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, 18 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग होनी है, चुनाव का वक्त है, आपको क्या लगता है कि बुनकरों की तरफ से कौन सी ऐसी डिमांड होने वाले सांसद से, जो भी सांसद बने यहाँ के, उनसे ऐसी रखी जानी चाहिए, या जब बुनकर वोट देने जाएँ तो उनके दिमाग में कौन से ऐसे 3 या 4 बड़े मुद्दे हों जो उनको भविष्य में फ़ायदा पहुंचा सके, उनकी बदहाली दूर कर सके? अभी जो है भागलपुर में हो या पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो चुनाव जो है किसी मुद्दे पर नहीं हो रहा है। आप खुद मीडिया के लोग हैं, बताएं किस जगह कहां पर विकास की बात हो रही है। इसलिए इस बार के जो सांसद लोग जो संसद में खड़े हुए हैं वो बेफिक्र हैं। एक पक्ष वो है जो इस बात के लिए जो है मुतमईन है कि हमको जो है केंद्र में सरकार बनाने के नाम पर जनता हमको वोट दे देगी, चाहे हम काम करें कि नहीं करें, ना ना। और दूसरा क्या है कि आप तो जानते ही हैं कि बीभर में ज़्यादातर मुस्लिम हैं, और मुस्लिम जो अभी हमारे जो वर्तमान में सेकुलर जमात से जो सांसद हैं, हम मानते हैं सेकुलर जमात हैं वो, ना ना, चूँकि कथा कथित कहा जाता है तो हम भी मानते हैं उसको। अरे उसका चूँकि वो ज़्यादातर मंदिरों की, मस्जिदों की, गाय रक्षा न फलां फलां चीज़ को जो कि एक भाई को भाई से जुदा करता है, उस तरह का विवादित बयान उसके अंदर में नहीं है, इसलिए उसको सेकुलर मानते हैं, है ना। और आज वो जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में, वो शायद ही हम लोगों के एरिया में वो भ्रमण करने के लिए आते हैं, बुलो मंडल। लेकिन मजबूरी ये है मुसलमानों की कि वह एक सेकुलर के नाम पर उसी बेचारे को उसी को देंगे। इसलिए हम लोग आप लोगों के ज़रिए से देशवासियों को एक पैगाम देना चाहेंगे कि इस नफ़रत के माहौल को ख़त्म कर दें तो फिर से हर एक लोग विकास के नाम पर वोट देगा, फिर कोई गुरेज नहीं होगा कि ये राजद के हैं कि कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं, है ना। ये नफ़रत का माहौल जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये मुस्लिम समुदाय किसी न किसी पार्टी का बैंक वोट बनकर ही रहेगा। ये उसकी आप मानते हैं इस बात को कि मुसलमानों को वोट बैंक माना जा रहा है? ये देखिए, हमें झूठ बोलने की आदत है नहीं भाई, जो हकीकत है सरजमीन पर, चूँकि हम लोग एक लॉन्ग पीरियड से सोशल वर्कर भी रहे हैं। अभी जो है हमारी बीबी जो है वाइफ जो है वो हमारी बाट की जो है पार्षद भी हैं, इसलिए हमेशा जनता से ताल्लुकात रहा है। इसलिए जो जमीनी सरजमीनी हकीकत है वो आपके सामने रख रहे हैं। मुसलमानों में हम जान रहे हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि अभी 4-5 साल में मुसलमानों का कत्लेआम करा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक डर सा उसके दिल में
जमा हुआ है कि आएगा, फिर हमारे खाने पर प्रतिबंध लगेगा, फिर हम जो है अगर भूले भंगटे कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार कर लेगा तो फिर वहाँ उसको जो है मॉब ब्लीचिंग होगा। यह सब सब जो है मामला है जो आप भी कई मौके पर जो है उठाते हैं, नहीं उठाते हैं सो बात नहीं है, मीडिया भी इसको उठाती है, तो ये उसके दिलों में कहीं ना कहीं एक डर है जिस कारण विकास का मुद्दा उसके मुस्लिम के क्षेत्र से गौण हो जाता है। मतलब वो अपना डर बचाने के लिए कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ कॉइन टर्म कॉइन ना कर लिया जाए, मॉब लिंचिंग जैसा कोई टर्म कॉइन ना कर लिया जाए, उसकी मजबूरी है कि वो सेक्युलर दिखने वाले होने हैं नहीं है। अगर सचमुच में सेक्युलर होते, आज उठा करके देख लीजिए वर्तमान के जो हमारे सांसद हैं उसके जितना वोट पाए हैं उसमें 75% मुसलमानों का वोट है, लेकिन उसे पूछिए, आप लोग मीडिया हैं उसे पूछिए कि कितने मुसलमानों का विकास किया, कितने मुसलमान क्षेत्रों का विकास किया। आप पूरे लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर लें और देख लें कि कैठो विकास का जो है उसका मैंने ये शिला जो है मुस्लिम क्षेत्रों में लगा हुआ है। इससे पहले बुलो मंडल से पहले भारतीय जनता पार्टी से शाहनवाज हुसैन आप लोगों के सांसद रहे थे, जहाँ तक मुस्लिमों की बात आई तो बुनकर जो हैं अधिकतर मुस्लिम हैं, और शाहनवाज हुसैन खुद भी एक भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम चेहरा के तौर पे माने जाते हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ काम हुआ था? नहीं, वो तो जब तक रहे उन्होंने काम किया बिना किसी भेदभाव के, हर क्षेत्रों को जो है रोड नाला जो भी हो वो देने का काम किया, और सबसे बड़ा खूबी उसमें यह था कि हर क्षेत्र में वो जाया करते थे, जहाँ से भी वो जब भी भागलपुर आते थे और जिस क्षेत्र से उसका डिमांड होता था उस क्षेत्र में जाते थे, वो जनता से सुगमता से मिल लेते थे, जहाँ जहाँ ठहरते थे जनता अगर उनसे जाती थी मिलने के लिए तो वो मिलते थे। कई ऐसे मौके पर कैंसर से पीड़ित लोगों का भी उन्होंने मदद किया, प्रधानमंत्री कोर्स से उसे जो है मदद पहुँचाने का भी काम किया है, ये सारे काम क्या करते थे वो। फिर क्या हुआ कि 2014 में जब मोदी लहर थी तब शाहनवाज हुसैन हार गए, और 2019 में जो गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, उसमें टिकट जो है उनके हाथ से छीन करके जनता दल यूनाइटेड को दे दिया गया। बहुत बड़ा सवाल है। 2014 में जो चुनाव हुआ आपको पता होगा कि हमारे जदयू और जो है भाजपा में जो है बना नहीं अलगाव था, दोनों ने अलग अलग जो है कैंडिडेट को उतारा, और जब से हमारे जदयू का समझिए कि जो है पैदाइश हुआ तब से जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही साथ थे, तो हमारा भी वोट बैंक है यहाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे जो है कैडर नहीं है, लेकिन जो है हर एक कैडर अपने अपने पार्टी के साथ जाता है। तो जब हमारे जो है पार्टी से जो है प्रत्याशी उतारा गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1,33,000 वोट हमारे प्रत्याशी ने लाया। अगर उस समय ये दोनों मिले हुए रहते तो कहीं पर से बुलो मंडल नहीं जीत पा रहे थे, 9,000 समथिंग वोटों से वो जीते थे, है ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे। और अभी इस बार देख लीजिए, है ना, कि अच्छा खासा मत से जो है हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, है ना। वो काम कितना करेंगे क्या करेंगे ये नहीं है, लेकिन ये है कि कैडर वोट होता है, जैसे कांग्रेस का कैडर वोट है तो वो कांग्रेस को जाता है, जदयू का कैडर वोट है जदयू को जाएगा, तो चूँकि भाजपा हमारे साथ अलायंस है भाजपा की वोट भी जो है हमारे साथ आएगा। लगता है आपको कि भाजपा का जो कैडर वोट है वो जदयू में शिफ्ट होगा? होगा, ठीक है, कुछ विद्रोह होता है कैंडिडेट के लेकर के, या उनको ये लग रहा है कि भाजपा सब दिन हमारा परंपरागत सीट रहा है, सिद्धमारी हो गया। और शाहनवाज साहब ने यहाँ पर लोगों का दिल जीतने का काम किया है, तो लोगों को एक उनसे उनसियत थी, एक दिली लगाव हो गया था, उनका वोट या टिकट जो कटा है तो लोगों को जो है दिलों के अंदर में एक रोष पैदा हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो रोष कम हो रहा है, और अब देख रहे हैं ये केंद्र में हमको सरकार बनानी है, इसलिए लोग धीरे धीरे फिर से जो है अपनी उस तकलीफ को भुला कर करके आपके महा इसमें NDA की तरफ जो है वोट करने का मन बना रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो अब 23 मई को ही तय होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। फिलहाल बात इतनी सी है कि ये बुनकरों का जो पूरा गढ़ है उसकी कुछ अपनी तकलीफ़ें हैं, और हम फिलवक्त उन्हीं तकलीफ़ों पर बात कर रहे थे। चुनाव है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ये बुनकर अगर एक बार इस काम धंधे को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ों में लग गए तो फिर भागलपुर के सिल्क को कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए कोई भी सरकार आए, कोई भी सांसद आए, कुछ भी हो, भागलपुर का सिल्क बचना चाहिए और हर हाल में बचना चाहिए। आप देख रहे थे लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा, मैं हूँ अविनाश और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश। शुक्रिया।